आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एग्री वीकली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते अगर एग्री के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो गिने चुने ऐसे कमोडिटी थे जिसने पॉजिटिवली रिटर्न दिए, जैसे कॉटन है जिसमें एकाएक हमने कल के सेशन में भी आइस कॉटन के अंदर एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी, जैसे हमने उम्मीद की रिजल्टन 2% से ज्यादा की तेजी हमने कॉटन में आते हुए देखा। वहीं कपास में भी 2% की तेजी थी, बाकी सभी कमोडिटी में हमने दबाव देखा। हमने पहले ही आगाह किया था कि ये जो चल रहा है जिसके चलते क्रूड में जो तेजी आई है, कहीं ना कहीं ये ऊंचे भाव की तेजी क्रूड में जो बनी हुई है ये एक रिसेशन का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम कैस्टर की बात कर लेते हैं, जहां पे पिछले हफ्ते 7330 का भाव खुलने के बाद प्राइजेस में एक तेजी बनी, बट 7420 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड में हमने 7150 का लेवल देखा, बट लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए 7300 के लेवल्स पे क्रॉस हुआ। नए अराइवल सामने है, होली की वजह से अराइवल प्रेशर भी था मार्केट में, क्योंकि जनरली फार्मर्स होली से पहले अराइवल बढ़ा देते हैं, बट कहीं ना कहीं अराइवल प्रेशर जो हो सकता है वो 10-12 दिन रह सकता है, बट फंडामेंटल साइड क्रॉप काफी अच्छी, क्रॉप में डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा हुआ था जिसकी वजह से सप्लाई में बाधिता रहेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो 8-9% के आसपास का क्रॉप कम बताया जा रहा है, जिसका एक प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा जो आने वाले दिनों में 7-800 का भी लेवल दिखा देगा। डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव जरूर हो रही, बट कंसर्न अभी ये बना हुआ है कि चाइना में जिस ढंग से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, ये कहना कि कैस्टर ऑयल के डिमांड पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए थोड़ा सा चौंकना रहिए, क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशन अभी भी बता रहा है RSI 71 के करीब ही है, तो मे भी पॉसिबल है वापस हम एक रेंज में देखें जो 7100 से लेकर 7500 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ रहेगा। वहीं मसालों की बात करें तो मसालों में हमने पहले ही आपको आगाह किया था कि हल्दी, जीरा, धनिया इन तीन कमोडिटी में लॉन्ग टर्म तो काफी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म मार्केट में गिरावट रहेगा, जिसके तहत हल्दी में 2.5% की गिरावट, जीरे में 1.5% की गिरावट और धनिये में भी 1.5% की गिरावट है। अभी भी हमें लगता है कि ऊंचे भाव में स्टॉकिस सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि अराइवल प्रेशर भी है जिसकी वजह से सबकी उम्मीद है कि प्राइजेस में गिरावट मिल सकती है, नीचे के भाव में मिल सकती है। बट ध्यान रखिए 20 अप्रैल तक की यह मंदी रहेगी, 20 अप्रैल के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा उछाल वापस देखने मिल जाएगा। बट इसी बीच में हल्दी की अगर बात करें तो प्राइजेस ने 8350 का लेवल छू चुका है, ऑलमोस्ट हमारा यही लेवल था जो बाइंग के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि 8000-8500 का जो रेंज है वो स्ट्रांग है। तो लॉन्ग टर्म के लिए फेज बाय फेज हल्दी में लिया जा सकता है, जो लॉन्ग टर्म में 12500 का लेवल और अगले एक महीने में 9000-9200 का लेवल दिखा दे। जीरा और धनिया में हम वेट एंड वॉच रखेंगे, क्योंकि जीरा हमें लगता है कि 19000 तक का भी लेवल दिखा सकता है, जबकि धनिया के अंदर भी 9000-9200 तक का भी लेवल मिल सकता है, तो जीरे और धनिया में हम वेट करेंगे। वहीं गवार शीट, गवार कम में हमने देखा हायर लेवल से प्राइसेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर थी, बट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गवार शीट गवार कम के लिए काफी अच्छे हैं, जहां गवार को 6100 के करीब लेके चला जा सकता है। ध्यान रखिए बड़ी तेजी के लिए 6550 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, एक बार 6550 का लेवल टूटता है तो 8000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं गवार गम की बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस 11000 का एक बेस नया बना रहा है, 11000 के करीब लेके चलिए, 11800 का लेवल तोड़ने पे ही हम नई तेजी देखेंगे। ओवरऑल गवार सीड और गवार गम दोनों में ही बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड कीजिए। मेंथा ऑयल हिडन जेम्स रह सकता है, प्राइजेस फ्लैट टू पॉजिटिव है, ध्यान रखिए 1000 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है जो 1085 तक का लेवल दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी मेंथा लेके चला जा सकता है। वहीं अंत में अगर हम कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉटन में हमने क्लियरली कहा था कि 38200-38500 के ऊपर निकलता है तो 40000 का लेवल मिनिमम और 42000 तक का लेवल हम हायर साइड देख पाएंगे। इस हफ्ते में जिस ढंग से आइस कॉटन 126 के ऊपर निकला है, कहीं ना कहीं 40000 का लेवल हम अगले हफ्ते में देख पाएंगे, इसमें बाइंग कंटिन्यू रखिए। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में घबराने की बात नहीं है, जब तक प्राइस 3000 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज नहीं करता है, 3000-3500 का जो रेंज है इसी रेंज में मार्केट रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, कॉटन सीड ऑयल केक को लेके चलिए, 3160 का लेवल तोड़ने पे हम 3400 तक के भी लेवल जल्द देख पाएंगे। तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक और कपास तीनों में लेवाली करके चलिए, गवार सीड गवार गम में लेवाली करके चलिए, जबकि मसाला, कैस्टर और इन दोनों में हमें
लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना कर ट्रेड करना चाहिए। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।